हेलो माय यूट्यूब फैमिली आज हम एक फिर से नया बंगाली रेसिपी लेके आए हैं आप लोगों के लिए इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए हम लोगों को मैदा काला वाला जीरा पहले हम मैदे में ऑयल को मिक्स करेंगे और इसमें नमक भी डालेंगे थोड़ा सा नमक स्किप हो गया ऐसे ऑयल को अच्छे से मैदे में मिक्स करना पड़ेगा करने के बाद ऐसा डो आए। डो बनाना पड़ेगा ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट ठीक है ऐसा बना लेंगे हम डो अच्छे से डो को ऐसे बना लेंगे हाथ से प्रेस कर करके उसके बाद ये छोटा छोटा गोला बनाएंगे इस डो का ठीक है और फिर इस डो गोले को बेल लेंगे ऐसे बेलने के बाद इसके अंदर जाएगा नारियल नारियल और चीनी का मिक्स किया हुआ एक पूर जो इस रेसिपी के अंदर जाएगा ठीक है ऐसे डालना पड़ेगा आप लोगों को नारियल और चीनी एक साथ मिक्स करके ये बनता है इसका रेसिपी हम बाद में दे देंगे चैनल में और ऐसे प्रेस कर करके इसका एक सेप देना पड़ेगा ऐसा वाला इसको हम ऐसे बनाते हैं अच्छे से देख लीजिएगा ऐसे आप लोग वो कांटा चम्मच आता है ना उसमें से भी प्रेस कर करके आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं ठीक ऐसा वाला सेप आएगा ये बन चुका एक एक करके सब ऐसे ऐसे बना लेंगे हम लोग उसके बाद देखें मेरा पूरा सब बन गया पीठा इसको बंगाली में पीठा बोलते हैं फिर इसके बाद एक कढ़ाई ले लेंगे उसमें ऑयल डालेंगे ऑयल को गरम कर लेंगे अच्छे से गरम किया हुआ ऑयल में एक एक करके सब पीठा दे देंगे और उसके बाद वो तल लेंगे ठीक है देखिए कैसे फूल रहा है और ये पीठा बहुत टेस्टी बनता है आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना ये बंगाली रेसिपी है हम बंगाली लोग ये ज़्यादा बनाते हैं और आपके यहाँ एरिया में इसको क्या बोलते हैं आप लोग वो कमेंट में बताना हमको ठीक है एक एक करके सब ऐसे ही तल लेंगे और धीरे धीरे ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं इसका कलर आ रहा है अभी देखिए ऐसा बनेगा ठीक है इतना फूला फूला और इसमें आपको मतलब कुछ और ऐड नहीं करना है जस्ट ऑयल ठीक से अगर ऐड करेंगे तो ऐसा कलर आ जाएगा और बहुत क्रिस्पी भी बनता है ऑयल डालने से देखिए ये बन के तैयार हो गया बाकी सब अब हम इसको ऑयल को थोड़ा छान के और उठा लेंगे बर्तन में देखिए बन गया देखिए सब बन गया और ये अभी बहुत गर्म है इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देते हैं ठंडा होने के बाद ये बहुत टेस्टी लगेगा ये देखने में जितना डिलीशियस है खाने में भी उतना डिलीशियस है आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना और देखिए ऐसे ये एक आपको तोड़ के दिखाते हैं ठीक है ये अंदर से ऐसा है देखने का लोग घर में ज़रूर ट्राई करना ये ठीक है देखिए अंदर से ही ऐसा दिखेगा अंदर से भी बिल्कुल क्रिस्पी और पका हुआ और बाहर से भी ब्राउन कलर का क्रिस्पी खाने में बहुत टेस्टी लगता है एक बार ज़रूर ट्राई करना और फिर कमेंट करके बताना ओके थैंक यू